हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाई ट्रांसलेट एप्लीकेशन यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं माई लैंग्वेज फ्रेंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं पहले जो है इंग्लिश है, यहाँ पे जो है उर्दू है। तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लैंग्वेज सर्च करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ दूसरे पे भी इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पे सर्च करके लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो है आप लोग किसी लैंग्वेज का जो है वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे वर्ड ऐड करके तो आप लोगों को जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में मिल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग है, तो यहाँ पे सेटिंग में आप लोग ट्रांसलेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपलाइन मोड भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जो मेन फ्यूचर है उसके यूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग इस बटन को देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसको ऑन करके यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोग किसी का जो है मैसेज वगैरह जो है आप लोग उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ उसको स्कैन करवा के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो है एक मैसेज वगैरह जो है शेयर करवा देता हूँ जिसको आप लोग जो है स्कैन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि एक मैसेज है। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है आप लोग किस तरह इसको स्कैन करवा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग ने इसके ऊपर करवा देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से आप लोग इसको स्कैन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोग होम देख सकते हैं, ग्लोब ट्रांसलेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको करवा सकते हैं स्कैन इस तरीके से दोस्तों। तो इस तरह इस एप्लीकेशन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।